आपका नाम दीदी? मेरा नाम रुखसाना है। अच्छा, बोलो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जी रही है जी आपको? जी पानी नहीं है हमारे पास, पानी का मसला है। हम वो नीचे तवी से लाते हैं पानी, जाके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी घर में होते हैं, तो पीछे से क्या पता उनको क्या होता है, तो कहाँ ऐसे रखे होते हैं बच्चे, तो इतने दूर से लाते हैं हम पानी जाके तवी से। तो आपने किसी को बोला नहीं? हाँ बोला था, एप्लीकेशन 2 बार दी है मैंने ऑफिस में जाके उधर से, नहीं अच्छा, उन्होंने बोला यहाँ पे पाइप ही नहीं है, तो जब आएंगे फिर पानी ले जाएंगे, देखेंगे हम, मौका देखने जाएंगे वहाँ पे। पांच छह घर हैं अच्छा हमारे। हाँ अच्छा, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद भी देखा है, लेकिन ये मुझे आपके सरपंच के साथ मेरी बात हुई, वो मुझे बोल रहे हैं तू लोगों को भड़का रही है। इसमें बोलो कि आपका क्या मतलब, मैं नहीं कैसे नहीं भड़का रही हूँ आपको? नहीं नहीं आपने आपने कुछ नहीं संकेत बोला खुद हमें, आया हमारे, तो हम खुद आ रहे हैं, हम खुद खुद आए जा हैं, रहे हैं। हाँ, हम खुद आए, आपने कुछ नहीं बोला हमें। अच्छा, तो मतलब उधर नीचे से आप पानी लाते हो, जी तो मैं यहाँ पे लाती मौका देखने कोई भी नहीं आया? नाले से अच्छा, कोई लाते नहीं हैं। आया। अच्छा, पीएचसी ऑफिस चना नहीं गए थे आप? जी जी अच्छा, तो घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आप पानी लेने जाते जी हो, जी ठीक है। ये परेशानी कब से आ रही है आपको? कुछ 7-8 महीने से मुझे अच्छा, तो हाँ, बाकी वालों के, वो अंकल हैं कहाँ गए हैं, वो वाले अंकल? ये तो इधर ही रहते हैं, इनको तो बिल्कुल भी पानी हाँ, टालने का ही नहीं है इनसे। अच्छा, जी 40 साल हो गया। ठीक है, ये बोलते हैं 40 साल हो गए हमें पानी नहीं है, तो किसी ने देखा ही नहीं ना, किसी ने लगाया यहाँ पे आके पानी। ठीक है। अच्छा अंकल चालीस जी, साल हो आपकी एज कितनी है? जी, 70 अच्छा, 70 साल। तो 70 साल70 से पहले ही क्या यहाँ पे पाइपें लगाई थी इन्होंने? नहीं, अच्छा, नहीं, तो फिर ये 40 साल से प्रॉब्लम कैसे हो गई फिर? ये 70 साल से ये शुरू से ही पहले चलती आई? पहले जो पेपर आई थी ना, हाँ इन्होंने हाँ लाई थी, थोड़ी जो एक दो तीन कार हमारे साथ है ना, हाँ उधर तक पेप लाई थी। हाँ हम रह गए थे। हाँ, अच्छा, और आपके घर पे पानी है ही नहीं, नहीं थे, नहीं थे। वो नीचे तभी से लाते हो? हाँ, तभी से दरिया से लाते थे, ठीक है, दरिया से। तो आप उधर एप्लीकेशन वगैरह दी है आपने? बड़ी जी बड़ी, हाँ, तो पीएचई डीसी के वालों ने पास भी, क्या डीसी कहा? के पास भी, हाँ जी डीसी के पास भी, डीसी के पास भी, अच्छा जे भी, पीएचई वालों के पास भी, पेपे नहीं है, हम कहाँ से दें? फिर सरपंच ने मना है हमारे साथ अच्छा कि मैं आपको पेपे लगा के दूंगा, हाँ अभी थोड़ी कोई पेपे नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ कोई कुछ नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे थे सरपंच जितने बार 1 महीने के अंदर लगा के दे दूंगा? 15 दिन के अंदर अंदर, अच्छा 15 दिन के अंदर अंदर मैं पेपे लगा के दूंगा, उस हाँ बाप का नहीं। हाँ लेकिन उससे बाद वो एक महीना महीना साल 3 हो गए, उसने जीते हाँ बने हुए सरपंच, उसने नजर भी नहीं उधर मारा अच्छा, कि पहला हमने देना है कुछ 4 लाख रुपए नंबर काम किसी के करूंगा साथ या मैं नहीं। चाचू, थोड़ा पहला नंबर। अच्छा पहला हाँ, नंबर ठीक है, पर अभी तक आपको पानी भी नहीं है? ना जी, ना कोई पानी, ठीक है। पानी नहीं। तो जैसे ये दीदी मेरे को बोल रहे हैं कि हम तभी से पानी लाते हैं नीचे से, आते तक ये बोलते हैं हम बच्चे को अंदर कमरे में रखे जाते हैं, हाँ बिल्कुल अकेले बच्चे को छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल अगर बच्चों को आते तक अगर कुछ हो जाए, बिल्कुल बाय द बिल्कुल, वे हो जाए कुछ, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वही तो पूछने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ना, हाँ वही तो हम सोच रहे हैं कि हमारी सुनाई नहीं, अनपढ़ लोग हैं हम, ताए तभी तो हम परेशान हैं, तभी तो हम आपके जिसने आप मौका दिया है कि आ गए हैं, तो ताए आपको हम सुना रहे हैं, और भी आगे पीछे हम बोलने के काबिल नहीं है, पर लेकर जाएंगे, बोलेंगे, सुनाएंगे, ताए तड़फ रहे हैं पानी के लिए, तड़फ रहे हैं बेचारे, ताए आ रहे हैं अपने अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर छोड़ के। तो अगर मैंने ये बात अगर आपके आगे तक पहुंचा दी इनको पानी नहीं है, तो इसमें मैंने गलत क्या किया? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने देते क्या रहेंगे, गलत बहुत कर बहुत दिया इसमें? शुक्रिया। आपने कोई हाँ गलत नहीं किया, लेकिन यह कि हाँ शुक्रिया शुक्रिया आपका, आपने सबका हमारा साथ दिया, हाँ गरीबों लोगों मर्जी का से हम आपने अपने सच्चाई काम में वाला लगते हैं। मसला चुका, देखा उधर मौका भी देखा, आप पूछ भी रहे हैं, लेकिन खुद भी आप, कोई अफसर भी आ सकता है, खुद मौका भी दे सकता है कि झूठ है फरार। नहीं, पवन कुमार सरपंच कह रहे हैं कि तू झूठ बोल रही है। पवन कुमार को हाँ नहीं, वो सरपंच बन गया है, इस वक्त हाँ उसको क्या वो मेरे जरूरी को है? बोल रहे हैं कि तू झूठ बड़ी लोगों को हाँ, भड़का रही। वो मैंने सरपंच क्या बना भड़काया है, वो आपको? सरपंच बन गया ना, वो यही सोच रहा है कि लोग झूठ मार रहे हैं। मैंने क्या भड़काया? कुछ नहीं नहीं भड़काया? मैम, आप हाँ कुछ नहीं, अंकल बिल्कुल बिल्कुल जी मैंने कुछ नहीं जी, भड़काया नहीं आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप खुद बोल रहे हो कि मैं जबरदस्ती बुलवा नहीं रही जी, हूँ इनसे बिल्कुल आपको? बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको नहीं, जो लेकिन हम हमारी डीसी के प्रॉब्लम है पास ना भी हमने जाने बोलना वाले है। हैं, अच्छा हम डीसी के पास भी जाने वाले हैं, जम्मू में जाने वाले हैं, जहाँ जहाँ कोई सुनाई होगी हमारी, हम उधर के लिए तैयार हैं, एक ठीक पवन कुमार के लिए नहीं, हाँ हम जहाँ जहाँ छिड़कने के काबल है, लेकिन हूँ हमने देखना है रास्ता, कि बहुत दिनों को हमने सब्र किया है, नाले से पानी हम पहले जोर था लाते थे, उन हमारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, लेकिन आज जो कोई आगे पीछे कुछ हो जाए उनको, तो हम जाते हैं पानी लाने के लिए, 2-4 किलोमीटर पानी है गाय भैंस से भी आपको, रखी हैं आप? हाँ गाय भैंस भी हाँ रखी है, एक एक दो दो, उनका भी ठीक पानी हुआ, अच्छा रास्ता भी नहीं है, ठीक है बिजली के खंभे हैं हाँ वो भी टूटे हैं, अच्छा लकड़ी के हमने खंभे लगाए, वो भी खुद देख लेना, उधर जाके कोई और भी आएगा उसको भी दस लेना, हम ठीक दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक है।